गुटका कौन सी तंबाकू सिगरेट छाना सख्त मना है। जब किसी के पास भी गुटका कौन सी तंबाकू सिगरेट पाई जाती है तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा के श्री नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज से सख्ती बढ़ा दी गई है। यहां पर आने वाले लोगों को यदि वे जेब में गुटखा पाउच या किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ लेकर आते हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर आज सुबह से मुनादी भी कराई जा रही है और स्पष्ट कहा जा रहा है कि यदि किसी के जेब में गुटखा पाउच या किसी तरह की कोई नशीली चीज़ तंबाकू वगैरह है तो वो तत्काल यहाँ पर जमा कर दे। और आज सुबह से यहाँ पर जितने मरीज और अटेंडर आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड का जो स्टाफ है ये इनकी जांच कर रहा है और लगातार मुनादी कराई जा रही है। हालांकि इस संबंध में आदेश पहले से ही हैं और लोगों को गुटखा पाउच तंबाकू लेकर अस्पताल कैंपस में आने पर यहाँ पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर गुटखे पाउच तंबाकू लेकर आ रहे हैं और साथ ही गुटखे खाकर जगह जगह गंदगी हो रही है इसकी वजह से। तो अस्पताल की स्वच्छता को लेकर और जो यहाँ अस्पताल के जो नॉर्म्स है इसके संबंध में अस्पताल के जो सुरक्षा गार्ड हैं इनको निर्देश मिले हुए हैं तो निर्देशों के पालन को लेकर आज से सख्ती शुरू हुई है। तो हमारी इस खबर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो गुटखे पाउच वाले लोग हैं, जो यहाँ पे आए हुए अटेंडर और मरीज हैं, उनके उनकी जांच की जा रही है। उनके पास जिनके पास तंबाकू गुटखा सिगरेट पाई जा रही है तो उसको जब्त कर लिया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो अस्पताल के सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा अधिकारी हैं हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आज से जो सख्ती की जा रही है, जो गुटखे पाउच तंबाकू जब्त किए जा रहे हैं, तो इसके पीछे किस तरह के कुछ नए निर्देश आए हैं क्या? तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सर आपका क्या नाम है? सर नारायण पटेल, सुरक्षा अधिकारी जी। क्या कहेंगे सर आज से जो आप ये जो कार्रवाई हो रही है यहाँ पे? यह पब्लिक पैलेस है, यहाँ तंबाकू गुटखा वाले ज्यादा आते हैं, दारू सिगरेट वाले आते हैं। हम लोग यहाँ 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है हमारी, तीनों शिफ्ट में गार्ड सुपरवाइजर के साथ जाके राउंड लेते हैं जी। और तंबाकू गुटखा वालों की आदत होती है, जहाँ खाया उधर ही थूकते हैं। पेशेंट ऐसे हैं, बॉटल चढ़ी हुई है, गुटखा खा रहे हुए बगल में थूक रहा है जी, कब तक उनके साथ खड़े रहे जी? इधर से राउंड मार के जाते हैं, उधर से फिर गंदगी कर देते हैं। साफ सफाई कर्मचारी भी साफ सफाई करते हैं, पीछे से गंदगी होती जाती है जी। फिर भी कंट्रोल किया हुआ है, उनको पनिश भी देते हैं कि आपका चालान कटेगा, पुलिस के हैंडओवर कर दिया जाएगा जी। इस तरीके से उनको डरा के किसी तरीके से कंट्रोल करते हैं जी। बाकी रात में भी चोरी चपाटी की भी शिकायतें आती है, अटेंडर बेचारे मोबाइल चार्ज में लगा के नींद आ जाती है, सो जाती है, कभी कभी मोबाइल भी चोरी हो जाते हैं जी। गार्ड प्रयास कार्य अपना कार्य करती रहती है, प्रयास करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, सुपरवाइजर उनको राउंड पे लेते रहते हैं जी। फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है जी। और नहीं होना चाहिए उसके लिए हम तंबाकू गुटखा और ये नशीले पदार्थों को लेकर आपने जो आज से जो सख्ती बढ़ाई है जी, तो इसके तो निर्देश पहले से थे, लेकिन आज से क्यों ये सख्ती बढ़ाई गई और आगे क्या इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? ये हमेशा जारी है और जारी रहती है जी। और सख्ती ही भीड़ भाड़ को देख के हमारे को उस हिसाब से चलना पड़ता है कि आज भीड़ ज्यादा है, ज्यादा कंट्रोल करें। और भीड़ में मोबाइल जो वॉकी टाकी स्पीकर से भी हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं ताकि सारे सुने और सावधान रहे जी। सर हमारे चैनल को बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं और हमारे कई व्यूअर हैं जो यहाँ पे हॉस्पिटल आते हैं, अटेंडर के रूप में आते हैं या इलाज कराने आते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि अस्पताल में आने से पहले उन्हें उन्हें किस तरह से गुटखे पाउच इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे?
इसके समय हमारे सुपरवाइजर बताएंगे, डेली साथ में रहते हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के जिम्मेदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण हिरवे है, मैं सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर हूँ अस्पताल परिसर में। जैसे कि परिसर में देखा जाता है कि आए दिन लोग जो गुटखा पाउच खा के थूक रहे, हम लोग राउंड तो लेते हैं और साथ ही साथ में अनाउंसमेंट भी करवाते रहते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी लोग बाग गुटखा पाउच, क्योंकि यहाँ पे एंट्री गेट इतने हैं कि हमारे पास इतने गार्ड नहीं रह पाते कि हम हर गेट पे गार्ड पे चेकिंग करवा पाए। अब उसमें क्या है कि पब्लिक इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, तो गुटखा पाउच कहीं ना कहीं से आदमी लेके आ जाता है। और कुछ जो अटेंडर रहते हैं, जैसे वार्ड में, महिला वार्ड में आप देखें 203 या 201 वार्ड में, वहाँ पे खिड़कियों में भी थूका रहता है। जो महिला के अटेंडर आ रहे हैं, जो साथ में रहते पेशेंट लोग, वो भी गुटखा पाउच खाते हैं, डाजों में रखते हैं, और जब चेकिंग के दौरान जब हम चेक करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मेरे पास गुटखा पाउच है तो सही, पर मैं खा नहीं रहा हूँ, तो आप मेरे पे कार्रवाई नहीं कर सकते, उनका ये कहना रहता है। और जो खाता है और थूक देता है उस पे हम बराबर चालान भी फाड़ते हैं, 200 का, 500 का, जो हमको निर्देश दिए गए। चालान जी बिल्कुल, चालानी कार्रवाई भी होती है, पर इस बार अभी हम चालानी कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मरीज के जो परिजन है काफी गरीब, कुछ इधर उधर से कोई गरीब भी रहता है, उनको एक बार समझाइश देकर हम छोड़ भी देते हैं, समझाइश देकर कि भाई आपने अगर थूका है ठीक है हम मानते हैं, पर आइंदा से आप ये गलती दोबारा नहीं करें, इस बार के हम समझाइश देकर उनको छोड़ भी देते हैं। जी जी सर, आप कुछ कहेंगे? जैसा कि सर आप बोल रहे थे कि आपकी न्यूज़ के माध्यम से पब्लिक को क्या संदेश देना चाहिए, तो बस मेरा यही संदेश है, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है जो हमारे सुपर लोग हैं वो सेवा भाव सभी की कर रहे हैं, तो कोई भी अस्पताल ना कोई भी पब्लिक प्लेस हो उसमें पब्लिक से बस यही उम्मीद करूंगा कि वहाँ गंदगी ना फैलाएं। पद और डेजिग्नेशन बता सर। मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरा नाम राहुल रघुवंशी है। जी जी ठीक है रघुवंशी जी, यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि वे यहाँ पर तंबाकू गुटखा और विभिन्न तरह के लोग सिगरेट लेकर जो आते हैं तो उसको रोकने के लिए ये लोग क्या प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इंदर मालाकार जी, सिक्योरिटी गार्ड जी, ए ब्लॉक में मेन गेट पे मेरी ड्यूटी है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि कम से कम अस्पताल स्वच्छ रहे, इसलिए हम गुटखा पहुंच की चेकिंग गेट पे भी करते हैं। हाँ। और कहीं लोग छुपा के थैलियों में ले जाते हैं, उनकी चेकिंग के लिए हम फ्लोर तक जाते हैं, वार्ड तक जाते हैं, है ना। तो हम ये सब आजादी करा रहे हैं और लोगों को लोगों की चेकिंग भी कर रहे हैं, उनको हम बार बार ये समझाइश देते हैं कि अस्पताल परिसर में गुटखा पहुंच ले जाना मना है, उसके बाद भी कहीं भाई लोग गुटखा पोज ले जाते हैं, तो हम उनके बाद भी उनको हम परेशान नहीं करते, हमको ये बोलते भैया गुटखा पोज जो भी खाना है आप बाहर रख के आइए, अपना बाहर खाइए, है ना। तो हम ना अटेंडर को ना मरीज को परेशानी आने देते हैं और गुटखा पोज की हम चेकिंग कर लेते हैं। जी जी। तो जो गुटखे पाउच जो जब्त होते हैं उनका क्या करते हैं फिर? उनको हम डिस्पोज कर देते हैं डस्टबिन में। ठीक है, हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।